तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रीडम सेक्टर की एक नई वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम करेंगे निफ्टी एंड निफ्टी बैंक का एनालिसिस और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है और कहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड बनाना चाहिए था। अगर आप प्राइस सेक्शन को समझते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, बाइंग जोन क्या होता है, सेलिंग जोन क्या होता है, उसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको सुबह सुबह एक ट्रेड यहाँ पर बनाना चाहिए था। हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया है बैंक निफ्टी के अंदर। वो ट्रेड क्या बना क्यों बनाया है, उसका क्या लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आज की बात करें बैंक निफ्टी में, तो ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस तरफ निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, पहले हम इसकी बात करेंगे। निफ्टी के अंदर हमने बनाया नहीं कोई भी पोजिशन, और क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बनाया, बैंक निफ्टी के अंदर आज का जो लॉजिक है बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने का, पुट बाय करने का, वो ये है कि मार्केट आज जैसे ही ओपन हुआ वहीं से गिरना शुरू हुआ, और मार्केट जहां पर ओपन हुआ वहां से गिरने का रीजन ये था क्योंकि यहां पर सेलिंग जोन था। ठीक है, यहां पर इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर का सेलिंग जोन था। यहां पर अगर आप देखें, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे। अगर यहां पर देखें तो कल यहीं से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, यहां पर अगर आप देखें मार्केट यहां से ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आया। ठीक है, तो ये एक सेलिंग जोन था ऑपरेटर के लिए। इतने बड़े बड़े कैंडल जो यहाँ पर बनाए थे मार्केट ने, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट आपको इजीली यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कल यहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, तो आज मार्केट ओपन भी उसी जगह पे हुआ था। अगर आप यहां पर देखें, जैसे ही ओपन हुआ सेलिंग जोन के आसपास, वहीं से गिरना शुरू हो गया। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही यहां पर देखिए, पहली कैंडल पे तो एंट्री बनानी नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं देता कि आप पहली कैंडल पे यहां पर एंट्री बनाएं। ठीक है, तो जैसे ही पहली कैंडल बनी, ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मैं बीच में ही एंट्री बनाने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, यहाँ पर रिटेस्ट करने का वेट करना चाहिए, और वही हुआ यहाँ पर। ठीक है, जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो थोड़ा सा तो मार्केट रिटेस्ट करेगा या ऊपर जाएगा, और चौथी ही कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आती है, चौथी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनती है और यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये पांचवी कैंडल यहाँ पर नीचे गिरना शुरू होती है, रेड बनना शुरू होती है, मैं यहाँ पर फटाफट से एंट्री बनाता हूँ और पहला टारगेट मेरा होता है यहाँ पर 70 पॉइंट का। ठीक है, 70 पॉइंट के आसपास का हमारा पहला टारगेट था जो कि यहाँ पर हमें मिल गया। उसके बाद क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो सेलिंग का ही था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको होल्ड करने का सोचा कि इसको होल्ड करते हैं, और यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्केट यहाँ पर बहुत तेजी से गिर सकता था, उसका रीजन ये है, गिरा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट एरिया है। ठीक है, एक सपोर्ट आपका ये निकल के आ रहा है, एक सपोर्ट आपका ये निकल के आ रहा है, तो बहुत सारे सपोर्ट थे यहाँ पर, इसलिए मार्केट तेजी से नहीं गिरा, लेकिन फिर भी मार्केट अभी भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो हमारा लेवल है, हमारा जो लेवल है वो ये है कि तकरीबन 45,875 के आसपास मार्केट नीचे आना चाहिए। मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बियरिश है। ठीक है, काफी दिनों से मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और आपको उस चीज का फायदा उठाना चाहिए था। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि सीखने पर फोकस करें, जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे, तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। यहाँ पर अब देखिए, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट हो सकता है कि यहीं से रिवर्स कर जाए। एक चीज यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट है तो थोड़ा सा रिस्क हमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, रिस्क के बगैर तो ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते। ठीक है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। एक चीज यहां पर मैं आपको और भी बता देता हूं, फिर वीडियो को एंड करता हूं। यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस था वो यहां पर सिर्फ 30 पॉइंट का था। ठीक है, 30 पॉइंट का हमने यहां पर रिस्क लिया था कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स करता है तो 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो। लेकिन अगर मुझे मालूम था, क्योंकि सेलिंग जोन से ही मार्केट गिरना शुरू हुआ, मुझे मालूम था कि अगर मार्केट यहां से गिरना शुरू होता है तो यहां तक आ सकता है, तो यहां पर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और तकरीबन 150 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है, 1:5 से भी ज्यादा का रिस्क एंड रिवॉर्ड रिश्यो यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, रिस्क लिया। हालांकि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर बीच में डराने की भी कोशिश कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें, बीच में मार्केट ने कई बार डराने की कोशिश की, एक सपोर्ट एरिया बनाया और वहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो कई बार डर भी लगा, लेकिन
मैंने सोचा था कि अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, लॉस नहीं करवाऊंगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो मार्केट अभी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उम्मीद जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर तकरीबन 45,875 के आसपास मार्केट को आना चाहिए, यानी कि बैंक निफ्टी को आना चाहिए। अभी आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको यहाँ पर जरूर से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ ही मिल जाए। एक चीज और है, आप स्टॉक के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में यूज करने के लिए मिल जाती है।